देखो एल्केन एल्कीन और एल्काइन से क्या समझते हो, दो नंबर में आ सकता है। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी आबंध जिसमें सभी बॉन्ड कैसे रहते हैं, सिंगल होते हैं, एकल होते हैं, एकल यानी सिंगल होते हैं, और एल्केन कहलाते हैं। और जिनमें कम से कम एक आबंध के साथ दो बंध हो तो उसे एल्कीन कहते हैं, और किसी किसी हाइड्रोकार्बन में एक आबंध के साथ तीन तीन बॉन्ड भी हो, तीन आबंध भी हो तो उसे एल्कीन कहते हैं। जैसा मैंने अभी इससे बता सकते हैं एल्कीन और एल्काइन को परिभाषित कीजिए, तो एल्कीन की चीजें हमने मेथेन एथेन का बता दिया, हमने एथेन में हमने C2H4 बताया था जिसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये दो थे और हाइड्रोजन कितने थे, चार। तो यहाँ पर कितने बंद बने, एक ही एक दो तीन चार पाँच छः, और चूंकि कार्बन की संयोजकता चार है तो हर जगह से चार दिख रहा है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार जरूरत देगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं ये हो गया तुम्हारा एथेन, अब इसको मैं एथीन या एल्कीन, एल्कीन का एग्जांपल एथीन की कर दूँ, इसी को एथीन कर दूँ, तो यहाँ पर सी टू एच ये जो है ना दो बन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फोर। और अगर मैं इसी को एथाइन कर दूँ तो ये दो और कम हो जाएगा हाइड्रोजन, कार्बन तो सेम रहेगा लेकिन हाइड्रोजन कम हो जाएगा, इसीलिए इनके बॉन्ड बढ़ जाते हैं क्योंकि कार्बन तो सेम रहते हैं लेकिन हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या करना पड़ता है, आबंध बढ़ाना पड़ता है। तो ये सी और हाइड्रोजन कितने हैं, चार, एक दो चार, ठीक है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, हो गए बराबर, दो बंद बन गए। तो ये हो गया तुम्हारा एथीन, एथाइन भी देख लो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है उसमें भी कम कर दो, तो कार्बन दो हुए और हाइड्रोजन दो हुए। अब भैया कार्बन की संयोजकता तो चार है, तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार बराबर। तो यहाँ चूंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है इसीलिए एथाइन ले रहा है, बस यही डिफरेंस है। बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं, अब मुझे बताओ ये तो यहाँ पर एक बार देखो और कर लो भी क्या तुम आती है, पहले देख लो अच्छे से, मैं इसको लिखे रहने दूँ फिर बना के देखोगे कि कैसे से देखता करना है, कार्बन चार होना चाहिए। चलो ट्राई करें, चलो बाय।
अच्छा।